अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट लुधियाना से आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। देखिए, आजकल जैसे कोविड-19 चल रहा है, लोगों में कोविड-19 करके स्ट्रेस एंग्जाइटी या डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो मैं आप सबको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी या डिप्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है कोविड-19 के दौर के दौरान। नंबर वन, सबसे पहले यू नीड टू एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज किस फॉर्म में कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करनी जरूरी है। रनिंग के फॉर्म में कर सकते हैं, जॉगिंग के फॉर्म में कर सकते हैं, या रेगुलर वॉक कर सकते हैं फॉर मिनिमम 30-40 मिनट्स। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि मूड को अपलिफ्ट करते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडली, यू नीड टू बी अवे फ्रॉम द नेगेटिव न्यूज ऑफ कोविड-19। यदि आपको कोविड-19 की न्यूज देखने का शौक भी है, तो 10-15 मिनट्स आप न्यूज देखिए, और बच्चों को ये न्यूज बिल्कुल नहीं दिखानी है। यदि आप न्यूज देखते रहेंगे तो पूरी बॉडी में नेगेटिविटी होगा, पूरा दिन आपका नेगेटिव निकलेगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। यू नीड टू अवॉइड दिस न्यूज। नंबर थ्री, आपको बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस डाइट आपको सबसे पहले टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम से लंच और टाइम से डिनर खाना है। डाइट में हाई प्रोटीन डाइट खानी है, रोटी खानी है, दाल या रोटी जो भी आप शौकीन से खा सकते हैं। साथ ही साथ नींबू पानी का इस्तेमाल डेली करना है, क्योंकि नींबू पानी में विटामिन सी होता है जो कि इन्फेक्शन को फाइट करता है और बहुत बेटर इम्यूनिटी बनाता है। इस दौरान आपको अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है। नींद पूरे 7-8 घंटे की नींद लेनी है। कैफीनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। फ्रेंड से आपको कनेक्ट करना है, फ्रेंड से कनेक्ट कीजिए, फैमिली से कनेक्ट कीजिए, अपने रिलेटिव से कनेक्ट कीजिए, जिन जिन जो दोस्तों से आपकी बात नहीं हुई है आप उनसे कनेक्ट कीजिए। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए, फोन से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू कर कनेक्ट कर सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करते रहना है साबुन से, हर घंटे बाद सैनिटाइज करते रहना है। और यदि आपको घर से बाहर निकलना पड़े तो मुंह पे मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए। और इस दौरान जितनों की आप हेल्प कर सकते हैं, जो भी अनप्रिविलेज्ड लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी जरूर हेल्प कीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और पॉजिटिव बुक्स पढ़िए। कोई जैसे रिलीजियस बुक्स में भगवद गीता पढ़िए, डेली का एक एक चैप्टर पढ़िए, आपके माइंड में, आपकी पूरी बॉडी में पॉजिटिविटी लाएगा। और लास्ट में बोलना चाहूंगा, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए। जो लोग डांस के शौकीन है वह डांस कर सकते हैं, जिनको म्यूजिक का शौक है वह म्यूजिक सुन सकते हैं, जिनको सिंगिंग का शौक है वह सिंगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, यही टाइम है आप अपना टैलेंट को निकाल उभारें। और जैसे जिनको लिखने का शौक है वह लिख सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। पूरे दिन की एक डायरी मेंटेन कीजिए और खुशी खुशी लॉकडाउन को बिताइए। ये टाइम सिर्फ टेम्पररी है, बाकी हमें इस कोविड-19 से फाइट करना है। एंड दिस टाइम शैल टू पास। थैंक यू सो मच।